केरला का करेला क्यों बना? क्योंकि हिंदू जो है अपने बच्चों को हमारी संस्कृति शिक्षा नहीं देता, और अपने पिताजी को बोलते हैं पापा आपने हमें हमारे कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। कोई भी आकर कुछ भी बता देता है हमको हमारे धर्म के बारे में, हमको अपने धर्म का भी पता होना चाहिए, सामने वाले के धर्म का भी पता होना चाहिए। जैसे उसने लड़की बोलती है जो जोहजक की आग है वो 70 गुना ज्यादा गर्म है आग से, और कुरान पढ़ेगा ना अगर कोई, अल्लाह को 1000 साल लगे लाल आग को सफेद आग बनाने में और सफेद आग को काली आग बनाने में 1000 साल और, तो अल्लाह को 2000 साल लग गए जोहजक की आग को 70 गुना गर्म करने में। तो भगवान को अल्लाह को खुदा को 2000 साल लग जाएंगे आग को गर्म करने में, ये उनसे पूछना चाहिए था उनको। लेकिन लड़कियों ने उस कन्वर्ट करने वाले से नहीं पूछा। रीइनकार्नेशन पुनर्जन्म नहीं होता एज पर कुरान एज पर बाइबल, पर कैसे नहीं होता? साइंटिफिकली प्रूवन है पुनर्जन्म होता है। बचपना मानकर नजरअंदाज कर दिया, मगर अब राजघराने का वो बच्चा 3 साल का हो चुका है और वो अपनी भाषा में 824 साल पुराना अपने पुनर्जन्म का राज बता रहा है। राइट? पर इसे बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता जी, ये तो खुदा का इम्तिहान है, खुदा के इम्तिहान में अगर पास हुए तो जन्नत है नहीं तो जहन्नम है। लेकिन फिर सबका एग्जाम अलग क्यों? किसी का एग्जाम आसान है, किसी का एग्जाम बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग संघर्ष बिता देते हैं सारा जीवन, कुछ लोग एग्जाम शिंगा लेंगे करते करते चले गए जन्नत। प्रभु ये क्या भाई, हाउ कैन गॉड बी पार्शियल? तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ना, तो ना अपने कल्चर का पता ना दूसरे कल्चर का पता। तो सवाल पूछे नहीं, कोई कुछ बात बता देता है। शिवजी क्रंदन कर रहे थे सती को लेकर के, जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? जी सती को लेकर परिवार क्रंदन यानी भागवत में आता है, उन्हें वीरभद्र को पैदा किया, वाट राधी वीरभद्र ने दशवर पूरी पार्टी की। लेकिन क्रंदन करने वाला पार्ट भी आता है पुराण क्रंदन आता है। लेकिन क्रंदन कैसा है, वो सती के विवाह में ब्रह्मांड जल रहा था उस वक्त शिव जी के आक्रोश में, तो आदमी कर क्रंदन करे ब्रह्मांड जलेगा? सब मिलकर भी क्रंदन करे तो ब्रह्मांड जलने वाला, हम इधर के मर लेंगे इधर। तो लेकिन बताएंगे इस बारे में नो आइडिया, कृष्ण कैसे रासलीला कैसे कर सकते हैं, रासलीला कौन कर रहा है कैसे कर रहे हैं, पूरा लेक्चर है 2 घंटे लेक्चर हो जाए, पर पता नहीं रासलीला के बारे में। राम जी ने मानव की सहायता क्यों ली? याद है रामायण तो याद है, सिर्फ उनको सेवा में लगाने के लिए, क्योंकि जो भगवान की सेवा करता है उसको पता होता है राम जी तो परमात्मा रूप है रावण के हृदय में, अंदर कली जी दबा दे उसकी कच मर लेगा। ये क्या है, समुद्र पुल बनाना, वहां जाना, लड़ना, रोना, कुंभकर्ण फले ढंग के, अरे सिंपल भगवान से कहते हैं परमात्मा रूप है राम जी, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, सबका कलेजा ले बोले खलास। वो सीता मैया जो शिव जी का धनुष उठा लेती है और ये धनुष उठा पाए रावण, तो रावण सीता का हम कैसे कर सकता है? वो तो धनुष उठाते उठाते मतलब आगे से गीला पीछे से पीला होने वाला था वो, और वही धनुष उठा के सीता में तो फूल पत्ती तोड़ के आई हुई है। सो हाउ कैन सच अ पावरफुल सीता बी किडनैप्ड बाय सच अ वीक रावण? पर हमको पता नहीं इस बारे में, पता नहीं। तो केरला स्टोरी क्या है? केरला स्टोरी, आंध्र स्टोरी, गुजरात स्टोरी, मध्य प्रदेश स्टोरी, मणिपुर स्टोरी, ये पूरे देश की स्टोरी आज, क्योंकि आज हिंदू धक्कन है। ये एक कड़वा सच है, हिंदू किताबें नहीं पढ़ता है। उसे पूछो भगवद्गीता पढ़ता हो ना, शास्त्र पढ़ता हो ना, वेद में ना पूछ लो ना, नहीं बताओ उसको। क्रॉस बेस इंटरव्यू चला था जी, बताइए जी दिवाली की छुट्टी है आज, आपने घूमने फिरने के लिए आया, दिवाली को क्या हुआ था? दिवाली हो आई थिंक राम किल रावण, राम ने रावण का वध किया था, दशहरा में क्या होता फिर? ये हमारे हिंदू का हाल है। एक तो पूछा गया आज कुंती, कुंती किसकी माँ थी? कृष्ण भगवान जी, मिला दो सारे रिश्ते मिला दो तुम, ये हिंदू का हाल है आज। सो सेक्युलर होते 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 ये हो गया हिंदू का हाल। और हिंदू का हाल क्या है, हिंदू अपने परिवार में खुश है, क्या मेरी बीवी खुश, वही पकौड़े खिलाती है, मेरे बच्चे बोलते हैं बाबा बाबा आई लव यू, कहता केरला स्टोरी केरला में हो रही है, हम दिल्ली में बैठे भाई, चिल मारो यार, यहाँ तो नहीं हुआ ना जी, क्यों भगवान बना डोसे खिला मेरे को डोसे तो। बस ये हिंदू क्या अपने परिवार में गुम है वो, तो धर्म को लेकर के ना उसमें जज्बा नहीं है, उसे फीलिंग्स ही नहीं है, उसमें फीलिंग ही नहीं है, तो आओ कन्वर्ट करो मैं और क्या, नहीं तो आयो घुमा के वो भी ले जाओ केरला स्टोरी बना देगा और क्या, नहीं तो। इसलिए ये दोष हमारा है, ये दोष हमारा है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, संस्कृति नहीं सिखाते, शास्त्र नहीं सिखाते। क्यों? फिर वो साधु हो गया तो फिर वो मंदिर में घंटा बजाएगा, वो पोंगा पंडित बन गया तो। इसलिए हिंदू सिखाता है नहीं अपने बच्चों को, संस्कार नहीं सिखाता, फिर उनका बच्चा पोंगा पंडित बन जाएगा, साधु बन जाएगा। अच्छा डाकू बन जाए वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे क्या करें, अपने अपने करियर चॉइसेस होती है। इट्स ओके, इसने चंबली घाटी में ऑफिस खोला है, इस चॉइस कमा तो रहा है जी, हर महीने 11 लाख रुपए कमाता है वो, इसमें खुश है हिंदू, बच्चा डाकू बने दे रोके, साधु बन जाए हाय हमारा बच्चा साधु बन गया है, ये हिंदू का हाल है। उनका बच्चा ब्रह्मचारी बनता है तो रोने पड़ते में साथ टीवी पहुंच जाते हैं, देखिए हमारा बच्चा पहले अच्छा खासा लड़कियों को लाइन मारता था, ये शरीफ बन गया लाइन नहीं मार रहा लड़कियों को, ये पहले अच्छा खासा टंगड़ी तोड़ा करता था, विशुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहा है, बहुत गलत बात है, ये हिंदू माता पिता का हाल है। तो क्यों ना कन्वर्ट होंगे ये डकन लोग, बिल्कुल कन्वर्ट होंगे, दे डिजर्व दिस, कोई भी कर सकता है इनको, जिसे दोष ये दूसरे
मिशनरीज का काम है, हमारा जाना है। आज हिंदू से देख रबर स्टैम्प हिंदू है, उसके अंदर हिंदू वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो दैट्स व्हाट दे गेट कन्वर्टेड। सो केरला स्टोरी इज एक्सपोजिंग दिस। हमें लोग आके क्यों कंफ्यूज हो लेते हैं, बिकॉज हमें कुछ आता ही नहीं है, वी आर ब्लैंक, हमारी खाली स्लेट है, उसमें लोग कुछ भी लिख जाते हैं, उसमें लोग बोली गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अर रहमान नो लिख जाओ, जीसस क्राइस्ट, नमो बुद्धाय लिख जाते हैं, भीम सेना लिख दो, हम खाली स्लेट है भैया, हमें कुछ नहीं आता, आओ हम पे जो लिखना है लिखो और हमें ले जाओ और फिर हमें एंटी हिंदू बनाओ। जितने लोग कन्वर्ट होते हैं दे बिकम मोर फनेटिक देन देम दोस हु कन्वर्टेड देम। ये कहने को उसको जस्टिफाई करना, नहीं मैंने सही किया, मैंने सही किया, कैसे मैं अपने को कैसे जस्टिफाई करूंगा, हिंदू को गाली दूंगा मैं सही काम किया मैंने, इस तरह से खुद को समझा रहा होता है कि उसने सही क्या कन्वर्ट होकर। तो इसलिए आज हिंदू जो है लल्लू लाल हो गया, इसलिए लोग उनको कन्वर्ट करते हैं और कुछ नहीं। हालांकि अब मैं देखता हूं देयर इज गुड वेव, अब हिंदू जग भी रहे, तो हालांकि भरी वो डोले वाला ही कर रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, अभी चलो इस पे तो आए तो बेटे लाल, दैट्स वेरी गुड बिगनिंग, पर वो सोचे यही करना काफी है, जिम जाना और वहां पर एक ऑरेंज पटका डालकर गाना जय श्री राम मैं सनातनी हूँ। अच्छा तो कभी गीता खोला तूने, वैसे डोले बनाता हूँ और यहाँ ऑरेंज पटका रखी बोलते जय श्री राम, सिर्फ इतना करना काफी है, हालांकि इट्स अ गुड बिगनिंग पर ये भी काफी नहीं है, लेकिन हाँ हिंदू आज जग भी रहा है, दैट्स वेरी गुड दैट्स वेरी नाइस, लेकिन हिंदू सोया भी रहा है, हिंदू सोया भी रहा है। एक और हिंदू की कमी पता क्या है, हिंदू भुलक्कड़ है, कश्मीर फाइल देखी गलत था फिर उसका फिर सो गया, वो केरला स्टोरी गलत है फिर सो जाएगा, व्यू अभी दो चार महीने में देखना फिर ये लग जाएगा, फिर एवेंजर देख रहा होगा, स्पाइडरमैन आयरन मैन